हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है द ऑनलाइन गुरु में। मैं हूं सुनील शर्मा और जैसा कि आप सभी जानते हैं, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स के एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जिसे कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के रूप में जाना जाता है, जिसका एग्जामिनेशन वर्तमान में 19th ऑफ सितंबर 2021 के दिन कंडक्ट करवाया जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे करंट अफेयर्स को कुछ क्वेश्चंस, कुछ एमसीक्यू के बेस्ड से यहाँ पे रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। आपसे पूछा जा रहा है कि इन विच सिटी प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने फाउंडेशन स्टोन रखा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कल्चरल सेंटर का। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पे लखनऊ। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने लखनऊ के अंदर भीमराव अंबेडकर कल्चरल सेंटर का यहाँ पे क्या किया है, एक फाउंडेशन स्टोन रखा गया है और साथ ही साथ यहाँ पे 25 फीट ऊंची एक स्टैचू भी लगाई जाएगी ऑडिटोरियम में, जिसमें 750 पर्संस की सिटिंग कैपेसिटी होगी। यहाँ पे भीमराव राम जी अम्बेडकर से रिलेटेड बुक्स एटसेट्रा, लाइब्रेरी, रिसर्च सेंटर, पिक्चर गैलरी एटसेट्रा को भी यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो चलिए आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप भीमराव अंबेडकर जी को किस रूप में जानते हैं, इनके बारे में क्या जानते हैं, चलिए कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि यहाँ पे देखने को मिला था, आपके स्कूल की तरफ से भी कैंपेन हुए थे बुक्स हवा नाम के एक प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट रीजन को बचाने के लिए। यहाँ पे इस प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट रीजन के अंदर डायमंड से रिलेटेड जो माइंस हैं वो देखने को मिली हैं और उन डायमंड की माइनिंग करने के लिए फॉरेस्ट को कट डाउन कर दिया जाएगा। तो ये जो बुक्स हवा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट रीजन है, ये किस स्टेट के अंदर आता है? तो देखिए, आप सभी जानते हैं डायमंड जो है वो इंडिया में सबसे ज्यादा आपको मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगा और यहाँ पे जो बुक्स हवा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट रीजन है वो भी कहाँ पे है, मध्य प्रदेश के अंदर है। मध्य प्रदेश में भी बात करें तो जो छत्तरपुर डिस्ट्रिक्ट है, छत्तरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर यहाँ पे ये काम किया जाएगा और इनकी माइनिंग के लिए जो SL कंपनी है, SL माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड नाम की कंपनी को, जो कि आदित्य बिरला कंपनी का ही एक पार्ट है, उनको ये वर्क दिया गया है कि यहाँ से डायमंड जो है वो एग्रीगेट किया जा सके। तो ये पूरा का पूरा आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसा कि कैबिनेट विस्तार होने के बाद कुछ मंत्रियों के पद बदले गए हैं, तो यहाँ पे जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, पहले डॉक्टर हर्षवर्धन थे, अब इनकी जगह पे किन्हें यूनियन हेल्थ मिनिस्टर बनाया गया है? तो देखिए, आपका करेक्ट आंसर होगा मनसुख मंदाविया को। यूनियन कैबिनेट ने, जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनके हेड थे, इन्होंने क्या किया था, यहाँ पे एक पर्टिकुलर वर्क किया था और जो मिनिस्टर्स थे उनको रीशफल किया था और रीशफल करने के बाद वर्तमान में जो आपके हेल्थ मिनिस्टर हैं वो डॉक्टर हर्षवर्धन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हेन इज द इंटरनेशनल नर्सेस डे सेलिब्रेटेड या ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? आप सभी जानते हैं कि कोविड टाइम पीरियड में डॉक्टर्स एंड नर्सेस ने अपने बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले किया था पेशेंट्स की देखभाल करने में, उनके ट्रीटमेंट रिलेटेड वर्क में। तो ऐसे में इन सभी के जो एफर्ट्स थे, इन सभी के जो वर्क थे, उनको रिनोन्ड किया जाना चाहिए। तो ऐसा वर्क हम लोग बहुत पहले से ही कर रहे हैं। मई 12 के दिन हम लोग क्या करते हैं, इंटरनेशनल नर्सेस डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। सेम डे मई 12, 1820 के दिन एक फेमस सोशल रिफॉर्मर एंड नर्स, जिनका नाम क्या है, फ्लोरेंस नाइटेंगल, आपने बुक्स में कहीं ना कहीं इन्हें पढ़ा होगा, अ लेडी विद द लैम्प नाम की कोई स्टोरी आपके इंग्लिश के बुक में आपने देखी होगी। तो इन्होंने जो सेल्फलेस सर्विस की थी एज अ नर्स, उनकी वजह से इनके बर्थडे को यहाँ पे क्या किया जाता है, उनके बर्थडे को इंटरनेशनल नर्सेस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि
है मई 12 के दिन। आयरन डोम विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज अ मोबाइल डिफेंस सिस्टम डेवलप्ड बाई विच कंट्री। तो देखिएगा, आपने देखा हो कि इसराइल के ऊपर हमास ने और भी जो अदर कंट्रीज है उन्होंने बॉम्बिंग कर दी थी, तो आपको देखने को मिला था कि ये इसराइल का एक आर्टिफिशियल मोबाइल डिफेंस सिस्टम है जिसको आयरन डोम कहा जाता है। बेसिकली क्या होता है, जब कभी भी इसकी तरफ कोई रॉकेट या मिसाइल्स आते हैं तो ये ऑटोमेटिक इनको लॉन्च करके यहीं पे डिस्ट्रॉय कर देता है, और इसी की वजह से इस पर्टिकुलर रीजन को आयरन डोम कहा जाता है। तो ये जो आयरन डोम है ये किसका है, इसराइल का है, जो कि एक मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है। और इस मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम को बनाने का काम किसने किया था, तो राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम, राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम, और जो इसराइल की एरोस्पेस एजेंसी है, जो इसराइल की एरोस्पेस एजेंसी है, इन्होंने मिलकर क्या किया था, इसे डेवलप करने का काम किया था। साथ ही साथ यहाँ पे आप लोगों को कहूंगा कि इसराइल फलस्तीन रिलेटेड जो कॉन्फ्लिक्ट थे मेरे मंथली करंट अफेयर्स में कवर किए गए हैं, उन सभी को देखना मत भूलिएगा। उन सभी के लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है, तो वो देख लीजिएगा, वो भी आपको यहाँ पे हेल्प करने वाले हैं। Which country has coined the name Taukate for the cyclone in Arabian Sea? आप सभी जानते हैं कि जो इंडिया है इसके दो साइड में, तीन साइड में आपको सी देखने को मिलता है, बड़े बड़े इंडियन ओशन है यहाँ पे, ठीक है, बे ऑफ बंगाल है यहाँ पे और अरेबियन सी यहाँ पे है। तो जो अरेबियन सी में एक साइक्लोन आया था, जिस साइक्लोन ने गुजरात को, ठीक है, महाराष्ट्र को, गोवा को एंड जो कोंकण रीजन है उसे अफेक्ट किया था, तो यहाँ पे एक साइक्लोन आया जिसका नाम क्या रखा गया था, तौकाते रखा गया था, या तौकते इसको आप कह सकते हैं। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से इसके बारे में पुष्टि की गई थी और इसका जो नाम था वो तौकाते रखा गया था म्यांमार की तरफ से। बेसिकली तौकाते क्या है, एक वोकल लिजर्ड है, एक छिपकली है जो म्यांमार में पाई जाती है, और उसके नाम पे, उस हाई वोकल लिजर्ड के नाम पे यहाँ पे इसका नाम जो है वो तौकाते रखा गया था। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच कंट्री इज टू प्ले होस्ट टू द फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022, आगे आने वाला इवेंट है। यहाँ पे जो फीफा काउंसिल है उसने इंडिया को होस्ट के रूप में चुना है, तो इंडिया में अब अंडर 17 का वर्ल्ड कप जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। अभी जो इसका टेंटेटिव डेट है अक्टूबर 11 से लेकर 30 तक 2022 में इसे यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा। बेसिकली ये 2021 में होना था लेकिन कोविड की वजह से इसे पोस्टपोन कर दिया गया था। जबकि अगर आपसे पूछ ले हुए फीफा अंडर 20 का वुमेन वर्ल्ड कप 2022 में कहाँ पे होगा, तो आपको ये याद होना चाहिए कि ये कोस्टा रिका के अंदर आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुंदरलाल बहुगुणा बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन जिनकी रिसेंटली डेथ हो गई थी, ये इनमें से क्या थे। तो देखिए, ये इनमें से एनवायरमेंटलिस्ट के रूप में जाने जाते हैं, पर्यावरणविद थे, पद्म विभूषण अवार्ड भी इनको मिला था और इनकी रिसेंटली डेथ 94 इयर्स की एज में हो गई है। आप लोगों ने अपने स्कूल बुक्स में एक मूवमेंट के बारे में सुना होगा जिसे आप लोग जानते हैं चिपको मूवमेंट के रूप में। ये एक गांधीयन प्रोटेस्टर थे, इन्होंने क्या किया था, जो हिमालय के उत्तराखंड वाला रीजन है जिसको टिहरी गढ़वाल रीजन के रूप में जाना जाता है, वहां पे अप्रैल 1973 के अंदर ट्रीज को बचाने के लिए चिपको मूवमेंट चलाया था, और ये वर्ल्ड वाइड फेमस मूवमेंट देखने को मिलता है। आप सभी ने अपने स्कूल बुक्स के अंदर भी इसे पढ़ा है। विच इज द होस्ट कंट्री फॉर दिस ईयर्स वर्ल्ड एनवायरमेंट डे सेलिब्रेशन। आप लोग जानते हैं वर्ल्ड एनवायरमेंट डे जो है 5 जून के दिन कंडक्ट किया जाता है, आपके एग्जाम्स में भी कई बार पूछा जा चुका है,
तो इस साल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के लिए जो होस्ट कंट्री है किसे चुना गया? तो देखिए आपका आंसर जो होगा यहाँ पे पाकिस्तान हो जाएगा। हम लोग 1972 से वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं 5 जून के दिन। और इस साल की थीम की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आपको इसका थीम पता चलेगा 3R, यानी कि रिमेजिन, रिक्रिएट एंड रिस्टोर के रूप में इसको थीम किया गया था। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ बिम्स्टेक लोकेटेड? अब देखिए बिम्स्टेक क्या है, तो इसे हम लोग जानते हैं बे ऑफ बंगाल। ठीक है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, के रूप में हम लोग क्या करते हैं बिम्स्टेक को जानते हैं। ये एक इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिनमें 7 नेशंस हैं साउदर्न एशिया के और साउथ ईस्ट एशिया के। इसका जो हेडक्वार्टर है वो ढाका के अंदर है। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, ढाका किस कंट्री के अंदर है? तो कमेंट करके बताइएगा कि ढाका किस कंट्री में है। नेक्स्ट थिंग, अगर इसके बारे में बात करें तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये 1997 के दिन इस्टैब्लिश किया गया था, और इसका 24th बिम्स्टेक डे जो है वो हमने क्या किया था 6 जून 2021 को सेलिब्रेट किया था। तो बहुत ही रीसेंट डेटा है, इसी पे बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए मैंने क्रिएट किया था। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को इजीली सारी चीजें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। विद इन 24 आवर्स आपके सभी डाउट सभी क्वेरीज को रिजॉल्व किया जाएगा। साथ ही साथ आप हमें इन प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो कर सकते हैं जहाँ पे आपको इन सेशंस की PDF भी अवेलेबल करवा दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट थिंग अगर हम लोग यहाँ पे आप सभी से बात करें तो हमारे जो पेड बैचेस हैं नेक्स्ट एग्जाम के लिए वो अवेलेबल हैं। आप एनरोल करने के लिए हमें व्हाट्सएप पर 7737653468 पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। विद इन 24 आवर्स आपको रिस्पॉन्स अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो मिलेंगे आपसे अगले सेशन में, तब तक आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कीजिए। जय हिंद।